ये पार्ट टू बना रहा है इसलिए ना, ये देखिए ये चाकन से सारी गाड़ियां आ रही हैं और इधर बोस भी जाएगा, इतना पुणे भी जाने वाला रोड यही है, तो देख सकते हैं ये सारा भी तोड़ेंगे, अभी इधर तोड़ने का काम चालू है। वैसे ये लोग पहले इन्फॉर्म कर दिए थे कि भाई अपना सारा सामान हटा लेना है, हाईवे पास जब हो रहा है तो हटा लेना, तब लोग हटाए नहीं तो क्या करेंगे, वो भी मजबूर हैं तोड़ने के लिए। ये भी चलिए आपको सारा दुकान दिखाएंगे कि कौन कौन टूटेगा और अनुमान लगाने का कि कितना सारा नुकसान होएगा यार। ये भी उड़ेगा, ये सारा सब उड़ेगा, ये एटीएम फेटीएम सब उड़ेगा, हमको पता है। भाई सबसे अच्छा है ठेले लगा, जहाँ जब मन कर सब यहाँ से लेकर हट जाओ, दुकान लगाने की क्या जरूरत है यार। उधर जाकर पूरा रूम रेंट भी देना पड़ता है फालतू में, और ये सारा इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है भाई, वो निकालने का भी टाइम आज नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले ही 7 दिन पहले वो दे चुके थे, तो क्या है कि अब नहीं देंगे तो क्या कर सकते हैं, तोड़ना ही पड़ेगा उनको। तो ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं नुकसान हुआ है, फिर भी वही हो गया, छोटे छोटे दुकान वाले का तो पूरा उसी पे देख जेसीबी डाल दिया और पूरा तो नीचे गिरा दिया, जो भी मसाला वसाला था उसमें दब गया, कुछ नहीं बोल सकते भाई। और ये दुकान पास इधर नहीं कुछ दिख रहा है ना, उधर क्या बोलते हैं जो मंडी था ना, उधर पूरा सारा जो दुकान था कपड़े कपड़े वाला सब कपड़े में ही जैसी भी डाल खोद दिया, सारा बहुत नुकसान है बहुत। कितना नुकसान हुआ बता नहीं सकते, बस जानिए इसका घर द्वारा सब भाग गया, क्या करेंगे पहले बताए थे वो भी। हम आप लोगों को एक ही आइडिया देगा भाई, ठेला जो है ना दुकान से अच्छा है ठेले पर लगा लेना, दुकान वो अच्छा है, रूम रेंट देना बहुत ज़्यादा खराब है, उसमें सामान बराबर बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा ये सब भी देखना पड़ता है ना, और प्लस हर महीने रूम का रेंट जो 3500 होगा 3000 होगा जो कुछ भी होगा वो सब भी देना पड़ता होगा, तो कुछ नहीं ऐसा ही करना चाहिए। चलो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक यू, चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना।